श्री जायसवाल ने कहा कि दान देने की शिक्षा उन्हें अपने स्वर्गीय सत्यनारायण पिता जायसवाल द्वारा मिली। उन्होंने बताया कि काफी जमीन राजस्व आश्रम खादी भंडार के नाम दान में दे दी गई थी। इसी सब बातों को देखते हुए उन्होंने संकल्प लिया कि उनका शरीर उनकी मृत्यु के बाद मेडिकल कॉलेज हरदोई के छात्रों के लिए चिकित्सा शिक्षा एवं नए अनुसंधान में कार्य आएंगे और इस भावना के साथ आज उन्होंने देहदान का संकल्प पत्र भरा है। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर आर्य देश दीपक तिवारी ने कहा कि देहदान का परोपकारी कार्य मेडिकल छात्रों की पढ़ाई में लाभदायक रहता है। अध्यक्ष भारत विकास परिषद डॉक्टर सुरेश अग्निहोत्री ने कहा कि भारत में दान करने की परंपरा बहुत पुरानी है, जिसमें धनदान, भूमिदान, विद्यादान व वस्त्रदान आदि विभिन्न प्रकार के दान हैं, परंतु देहदान व अंगदान सबसे बड़ा दान माना गया है, जो संपूर्ण मानवता के लिए हितकारी है। देहदान का प्रतिशत हमारे देश में बहुत कम है। आज के इस देहदान के समाज को प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर डॉक्टर वी के गुप्ता, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि, विभाग अध्यक्ष एनोटॉमी विभाग डॉक्टर सुप्रिया तिवारी, सर्जन डॉक्टर विवेक सिंह, फिजिशियन अनुपुरी, गौरव भदौरिया, सुधीर अवस्थी, कैप्टन रामकिशोर दीक्षित, रुद्रप्रयाग दीक्षित आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आज आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप जिसे लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ उसे हमारा पैतृक स्थान मल्लावा है। हमारे पिताश्री स्वराज आश्रम खादी भंडार को पूरी जमीन दान करके चले गए, उनसे प्रेरणा मिली। उसके बाद हमारे पुत्र का 10 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ, इसी 23 तारीख को उसको दो पुत्रियों का एकदम प्राप्ति हुई। उसकी बेहद खुशी, उसी में हमने पहला संकल्प लिया था कि हमारे बेटे के पुत्र हो जाए या पुत्री हो, हम अपना शरीर दे दान कर देंगे। और हमारे बड़े भाई का लड़का चेयरमैन था मल्लावा में, और आकस्मिक मौत हो गई उसकी, और उसका बड़ा भाई विशाल जायसवाल वो जो है अब सेवा कर रहा है पब्लिक की, और बाकी हम अपना तन मन धन सब पब्लिक के लिए समर्पण। बहुत बड़ा काम सर, आपको बहुत धन्यवाद। जायसवाल जी हमारे यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं और आपने स्वेच्छा से अपना देहदान यहाँ के बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिए दिया हुआ है, डोनेट किया हुआ है, और इससे काफ़ी सहायता मिलेगी। और जो नवागंतुक हमारे MBBS के छात्र छात्राएं हैं, क्योंकि एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में बृहद पुस्तक होता है मानव शरीर, तो बच्चे उसी से सीधा सीखता है, तो उसको ज़्यादा ज्ञानवर्धन होता है बजाय किताब से पढ़ने के। एक आपकी बाइक ले लीजिए।